इंदौर शहर में ऑपरेशन प्रहार के तहत एवं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा अवैध तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान भवरको पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 100 ग्राम मादक पदार्थ पकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए कीमत है। एडीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया के अनुसार ये कार्यवाही भवरकुआ थाना क्षेत्र में की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम को मुंबई से सूचना प्राप्त हुई थी कि भवरकुआ थाना क्षेत्र में एक शातिर तस्कर मुंबई से अवैध मादक पदार्थ लाकर यहां बेचने की फिराक में है। क्राइम ब्रांच टीम ने भवरकुआ पुलिस के साथ एक टीम बनाकर योजनाबद्ध अनुसार क्षेत्र के 3 इमली बस स्टैंड के पीछे अभिनव नगर में मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स की तस्करी करने आए एक शातिर अपराधी को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 100 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स जब्त किए गए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत है। पकड़े गए तस्कर का नाम हनीफ उर्फ बंटी शेख निवासी मलाड मालूनी मुंबई डोंगर महाराष्ट्र बताया गया है। पुलिस कमिश्नरेट में लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की जा रही है अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ, और इसी तंत्र में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मुंबई से लगातार एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर सप्लाई करने आता है, लोकल में देता है, फिर लोकल से इसकी आजाद नगर में सप्लाई होती है और भवरकुआ क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं सप्लाई कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर वेरीफाई करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम और भवरकुआ की टीम ने घेराबंदी की 3 इमली के पास, 3 इमली पुल के पास, और वहाँ पर जो बस स्टैंड के पास बताए हुए स्थान पर मुखबिर के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। हिरासत में ले जाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम हनीफ बताया, और उसके जब विधिवत तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से लगभग 100 ग्राम एमडी ड्रग्स निकला है, जो कि जिसकी कीमत मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 10 लाख रुपए है। और उसकी तलाशी लेकर विधिवत तलाशी लेकर FIR इसमें की गई है। इसमें 8/22 NDPS Act के तहत केस रजिस्टर किया गया है। आरोपी मुंबई का रहने वाला, यहाँ पर सप्लाई करने आया था, और इसमें किसको सप्लाई करने आया था, किसके इशारे पर उसके द्वारा मुंबई से यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है, इन सबकी ऑलरेडी क्राइम ब्रांच इसमें ट्रेल में काम कर रही है। जल्दी इसमें अन्य नामों का खुलासा होकर गिरफ्तारी की जाएगी। चूँकि मुंबई का रहने वाला है, मुंबई से यहाँ पर सप्लाई करने आया, ये पूर्व में भी 6 से 8 बार आ चुका है, ऐसा इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया है। अभी सब चीज़ों को वेरीफाई किया जा रहा है, वेरीफाई के आधार पर बदले कड़ी सुनिश्चित की जाएगी। नहीं अभी नहीं, इस तरह की कोई भी लिंक अभी सामने नहीं आई है। इसमें अभी और जो कड़ियाँ मिलेंगी उनके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये टोटल वेग होगा। जब तक कोई फैक्ट्स नहीं आते हैं तो बिना फैक्ट्स के कोई भी कहना उचित नहीं। हालांकि इस मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS Act के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा लगातार बदमाश से पूछताछ की जा रही है। संभवतः यह जानकारी भी सामने आ सकती है कि वह इंदौर में किन किन लोगों को मादक पदार्थ की सप्लाई करता था। क्राइम भाषी के लिए इंदौर से चंकी बाजपाई की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।